और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जी की एक तकरीर सुन रही थी कि मुझे भारत में बुलेट ट्रेन चाहिए, भारत को मुझे डिजिटल बनाना है, भारत को मैं टेक्नोलॉजी में लाना है, भारत को पूरा वाईफाई करना है। मैं ये सोच रही हूँ कि हमें भारत को उन चीजों से पहले हमारे भूखों को खाना खिलाने की जरूरत, हमारे बेरोजगारों को रोजगारी देने की जरूरत, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत हमारे सबके लिए भी जरूरी है। तो हम जो है भारत को वो बनाएंगे जो कोई घर में भूखा ना रहे, उसके प्लान बनाएंगे हम।